नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर मैं इम्पोर्टेंट डेज के टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आया हूँ। ये सितंबर 2023 के थीम्स वाइज मैंने इससे पहले जनवरी और अगस्त के करवा दिए हैं, आप उन सबको जाके रिवाइज करना। और ये सितंबर मंथ के हैं। सो फर्स्ट से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जाता है नेशनल न्यूट्रिशन वीक। कौन सा वीक? नेशनल न्यूट्रिशन वीक। 5 सितंबर को मनाया जाता है नेशनल टीचर्स डे। 5 सितंबर को कौन सा मनाया जाता है? नेशनल टीचर्स डे। और एक चीज़ और ध्यान रखना, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे। 5 सितंबर को मनाया जाता है नेशनल टीचर्स डे। तो टीचर्स डे दो, एक नेशनल एक वर्ल्ड। नेशनल वाला 5 को, वर्ल्ड वाला 5 अक्टूबर को, नेशनल वाला 5 सितंबर को। फिर आते हैं 14 सितंबर को मनाते हैं नेशनल हिंदी दिवस। कौन सा दिवस? हिंदी दिवस। और जो वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है वो 10 जनवरी को, जो मैंने आपको जनवरी वाले में बताया था। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 14 सितंबर को नेशनल, तो 5 सितंबर, 14 सितंबर को, यहाँ पे दो नेशनल, एक नेशनल टीचर्स डे, तो नेशनल हिंदी दिवस भी उसी दिन होगा। मोटा इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे। 16 सितंबर, ये क्वेश्चन हर साल स्टेट पीसीएस कोई ना कोई सा पूछता है, एसएससी में भी बहुत पूछा जाता है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है स्टेट पीसीएस का। कौन सा? ओजोन डे। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे। कौन सा डे? वर्ल्ड अल्जाइमर डे। 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे। वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को। 23 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। कौन सा? इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज 23 सितंबर को। 25 सितंबर को कौन सा मनाया जाता है? अंत्योदया दिवस। अंत्योदया दिवस 25 सितंबर, 25 सितंबर। 26 सितंबर को कौन सा मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे। इसको आपको एनवायरमेंट डे से कन्फ्यूज़ नहीं होना है, वो तो 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन एनवायरमेंट की हेल्थ देखी जाती है 26 सितंबर को। कब? 26 को। और 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टूरिज्म डे। 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टूरिज्म डे। अब मैं आपसे इनकी थीम्स भी डिस्कशंस कर लेता हूँ। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट थीम्स है मैंने उसको आपको लिए लेकर आया। जैसे न्यूट्रिशन वीक की, न्यूट्रिशन वीक कब से? 1 से लेकर 7 सितंबर, 1 से लेकर 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक। थीम क्या है? हेल्थी डाइट गोइंग अफोर्डेबल फॉर ऑल। हेल्थी डाइट गोइंग अफोर्डेबल फॉर ऑल, ये इसकी थीम है। 2023 की न्यूट्रिशन की थीम क्या है? हेल्थी डाइट। मेरे साथ आप थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश करें। हेल्थी डाइट न्यूट्रिशन गोइंग अफोर्डेबल फॉर ऑल। इसके बाद आता है आपका हिंदी दिवस की थीम 14 सितंबर की। क्या है? हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपकी थीम है 14 सितंबर के। 2023 के नेशनल हिंदी दिवस की थीम क्या है? हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, फिर आती है ओजोन डे की थीम। ओजोन डे की थीम तो हमेशा मतलब पूछते ही पूछते हैं। तो क्या है इसका? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। सो इतने याद रखने हैं, फिक्सिंग द ओजोन लेयर। ओजोन डे, ओजोन लेयर फिक्स करना है, फिक्सिंग द ओजोन लेयर। फिर आता है एक इंपॉर्टेंट थीम है 26 सितंबर को वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे। क्या थीम है इसकी? ग्लोबल एनवायरमेंट पब्लिक हेल्थ स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ ईच एंड एवरी डे। अब देखो इतनी बड़ी थीम नहीं तो आपसे याद हुई, और ये इतने सारे आपको डाटा फैक्ट्स वैसे भी याद करते हैं, तो इसका मैं आपको सिंपल इस तरीके से याद रखना। ग्लोबल एनवायरमेंट पब्लिक हेल्थ, जैसे एनवायरमेंट हेल्थ है तो एनवायरमेंट में पब्लिक हेल्थ और जोड़ दिया, और ग्लोबली बात चल रही है। कैसी बात चल रही है? ग्लोबली बात चल रही है, ग्लोबली बात चल रही है एनवायरमेंट हेल्थ की पब्लिक, इस तरीके से आपको याद रखना। वर्ल्ड टूरिज्म डे की थीम क्या है? टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। टूरिज्म और ग्रीन इन्वेस्टमेंट, मतलब टूरिस्ट आ रहे हैं उनसे कह रहे हैं कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करो, ग्रीन में इन्वेस्टमेंट करो, तो इस तरीके से आपको याद रखनी है। न्यूट्रिशन की थीम क्या बताई थी भैया? कि हेल्दी डाइट। न्यूट्रिशन कैसे? न्यूट्रिशन में क्या लेना चाहिए? हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, इस तरीके से। हिंदी दिवस किस चीज़ का? आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बोलबाला है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हिंदी से, हिंदी थीम्स में याद रखना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिस्कशन था। ओजोन डे में ओजोन लेयर का डिस्कशन था। ओजोन डे में किसका लेयर डिस्कशन था? ओजोन लेयर का। एनवायरमेंट हेल्थ में ग्लोबली एनवायरमेंट के हेल्थ के बारे में बात करी है। टूरिज्म में टूरिस्ट आए उनसे कहा कि आप इन्वेस्टमेंट करो ग्रीन में। किस में इन्वेस्टमेंट करो? ग्रीन इन्वेस्टमेंट में। तो एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। नेशनल न्यूट्रिशन वीक की बात क्या कर रहे थे? हेल्दी डाइट। कैसी डाइट? हेल्दी डाइट। कैसा मिलेगी? उसी से न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा। हिंदी दिवस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। क्या आ गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। किस चीज़ में? हिंदी दिवस में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आपसे ओजोन लेयर वाली, तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस याद रखना। ओजोन डे में ओजोन लेयर, ओजोन डे में ओजोन लेयर की बात करेंगे इस साल। एनवायरमेंट हेल्थ डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, तो ग्लोबल एनवायरमेंट पब्लिक हेल्थ के बारे में बात की। टूरिस्ट से कहा गया ग्रीन में इन्वेस्टमेंट करो। टूरिस्ट से क्या कहा गया? ग्रीन में इन्वेस्टमेंट करो। अब मैं आपसे बता देता हूँ इसकी ट्रिक क्या है डेज की। सो नाटो हिंदुस्तान का, नाटो नाटो जो सॉन्ग था,
इसका एन जो कैपिटल है तो एन से आएगा न्यूट्रिशन, नेशनल न्यूट्रिशन। टी से क्या आएगा यहाँ, एन से तो आ जाएगा आपका नेशनल न्यूट्रिशन। टी से क्या आएगा, टीचर्स डे। टी से क्या आएगा, टीचर्स डे। तो नाटो हिंदुस्तान का, एच से क्या आ जाएगा यहाँ, हिंदी। तो नाटो में दो हैं, एक तो एन, एन से न्यूट्रिशन, टी से टीचर्स, तो नाटो हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के क्या आएगा, एच। एच से आ जाएगा हिंदी का ओजोन। ओजोन तो सबको पता ही है, ओजोन ही 16 सितंबर को है, तो ओजोन। अमेरिका, अमेरिका का ए कैपिटल, ए से क्या आएगा, एल्जाइमर। अमेरिका का ए कैपिटल, ए से क्या आएगा, एल्जाइमर। रशिया में क्या आएगा, राइनो। आर रशिया का आर कैपिटल, राइनो। में सबका, एस में क्या आएगा, ये साइन लैंग्वेज। एस में क्या आएगा, साइन लैंग्वेज। अंदर एंड एक्सटर्नल तक रहा। ए से क्या आएगा, अंत्योदय। ई से क्या आएगा, एनवायरमेंट हेल्थ। टी से क्या आएगा, टूरिज्म। सो क्या इसकी ट्रिक है, नाटो हिंदुस्तान का ओजोन में, अमेरिका में, रशिया में, सबके अंदर एंड एक्सटर्नल तक रहा। नाटो हिंदुस्तान का ओजोन में, अमेरिका में एंड रशिया में, सबके अंदर एंड एक्सटर्नल तक रहा। सो एन से न्यूट्रिशन, टी से टीचर्स, एच से हिंदी, ओ से ओजोन, ए से अल्जाइमर, आर से राइनो, एस से साइन लैंग्वेज, ए से अंत्योदय, ई से एनवायरनमेंट, और टी से टूरिज्म। तो एक बार और रिवाइज करने की कोशिश करो, नाटो हिंदुस्तान का ओजोन में, अमेरिका में, रशिया में, सबके अंदर एंड एक्सटर्नल तक रहा। ये इसकी ट्रिक होगी सितंबर मंथ के। अब इसकी एक ट्रिक और है, ऐसा कर सकते हैं, टीचर ने हिंदी में लोगों को, जैसे टीचर डे है तो टीचर ने हिंदी, जो 14 सितंबर को हिंदी है, तो टीचर ने हिंदी में लोगों को न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन वीक चलता है, ओजोन जो 16 को होता है, एल्जाइमर जो 21 को होता है, एल्जाइमर डिसीज के बारे में बताया। तो टीचर ने हिंदी में, टीचर ने हिंदी में लोगों को न्यूट्रिशन एंड ओजोन और एल्जाइमर के बारे में बताया। तो टीचर ने हिंदी में क्या, किस किस के बारे में बताया, न्यूट्रिशन के बारे में, ओजोन के बारे में, एल्जाइमर के बारे में, कि भाई समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू हेल्थ एंड द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज और ओजोन। सो इन सब चीज़ों के बारे में बताया। फिर राइनो को साइन लैंग्वेज के द्वारा अंत्योदय का मतलब समझाया। राइनो आ गया, अब जो राइनो जानवर है उसको साइन लैंग्वेज के थ्रू, उसको अंत्योदय का मतलब समझाया, जिससे कि भाई एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट की हेल्थ सही रह सके और लोग टूरिज्म कर सकें एनवायरनमेंट फ्रेंडली। कैसा टूरिज्म कर सके लोग, एनवायरनमेंट फ्रेंडली टूरिज्म कर सके। कैसा टूरिज्म कर सके लोग, एनवायरनमेंट फ्रेंडली टूरिज्म कर सके। अब मैं आपको एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। नाटो हिंदुस्तान का ओजोन में, अमेरिका में, रशिया में, सबके अंदर एंड एक्सटर्नल तक रहा। नाटो हिंदुस्तान का ओजोन में, अमेरिका में, रशिया में, सबके अंदर एंड एक्सटर्नल तक रहा, ठीक है। दूसरी ट्रिक क्या है, टीचर ने हिंदी में लोगों को न्यूट्रिशन, ओजोन एंड अल्जाइमर डिसीज के बारे में बताया। टीचर ने हिंदी में लोगों को न्यूट्रिशन, ओजोन एंड अल्जाइमर डिसीज के बारे में बताया। राइनो को साइन लैंग्वेज के द्वारा अंत्योदय का मतलब समझाया। राइनो को साइन लैंग्वेज के द्वारा अंत्योदय, राइनो को साइन लैंग्वेज के द्वारा अंत्योदय का मतलब समझाया, जिससे एनवायरनमेंट की हेल्थ सही रह सके और टूरिज्म कर सके लोग एनवायरनमेंट फ्रेंडली। सो टीचर ने हिंदी में लोगों को न्यूट्रिशन, ओजोन और एल्जाइमर डिसीज के बारे में बताया। राइनो को साइन लैंग्वेज के द्वारा अंत्योदय का मतलब समझाया, जिससे एनवायरनमेंट फ्रेंडली टूरिज्म कर सके लोग। अब इससे ऊपर वाली ट्रिक क्या थी, नाटो हिंदुस्तान का ओजोन में, अमेरिका में एंड रशिया में, सबके अंदर एक्सटर्नल तक रहता है। नाटो, एन से हो गया न्यूट्रिशन, टी से हो गया टीचर्स, हिंदुस्तान का एच, एच का हो गया हिंदी दिवस, का ओजोन, ओजोन पूरा 16 सितंबर को आ गया, ए से अमेरिका का ए कैपिटल में एल्जाइमर, रशिया का आर से राइनो, एस से सबका, तो सबका एस से साइन लैंग्वेज, अंदर का ए से अंत्योदय दिवस, और एक्सटर्नल का ई से एनवायरनमेंट, और टी से क्या हो गया, टूरिज्म। सो ये जो इसके कैपिटल लेटर्स हैं उसके थ्रू आप याद रख सकते हो। अमेरिका का ए अल्जाइमर, बस आपको मोटा मोटा याद रखना है सेप्टेम्बर वाले मंथ में कौन कौन से डेज आते हैं। वो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं कि जहाँ वो चार ऑप्शन देते हैं अलग अलग मंथ के, आपसे पूछते हैं थीम की। जैसे मैंने आपकी बात की थी, न्यूट्रिशन की थीम क्या होगी, हेल्दी डाइट। न्यूट्रिशन की थीम में क्या आएगा, हेल्दी डाइट। हिंदी दिवस में थीम में क्या आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओजोन डे में क्या आएगा, ओजोन लेयर। एनवायरमेंट हेल्थ में क्या आएगा, ग्लोबल एनवायरमेंट पब्लिक हेल्थ। टूरिस्ट से कहा, ग्रीन में इन्वेस्टमेंट करो। तो ये आपका सेप्टेम्बर मंथ के इंपॉर्टेंट डेज के टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। मैं अक्टूबर मंथ के इंपॉर्टेंट डेज के ट्रिक्स लेकर आऊँगा, नवंबर दिसंबर सब मंथ्स के लेकर आऊँगा। पहले आप इनको देखिए, रिवाइज कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
शुभ रात्रि, खुश रहो, जय हिंद, जय भारत।